अपनी पूर्व पत्नी का अतिरंग वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में छतरीपुरा पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया है। मामला मून पैलेस कॉलोनी का है, जहां पर रहने वाली महिला डॉक्टर ने अपने पूर्व पति के द्वारा ब्लैकमेल कर दुष्कर्म की शिकायत की थी। अनपुरा थाना क्षेत्र की मून पैलेस कॉलोनी में रहने वाले अंशुमन धवन की दोस्ती कॉलेज में पढ़ने वाली युवती के साथ हुई थी। दोनों की मित्रता प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली। अंशुमन ने पीड़िता के अतरंग वीडियो बनाकर रख लिए थे, जिसका पता पीड़िता को नहीं था। शादी के कुछ समय बाद दोनों के संबंध बिगड़े और उनमें तलाक हो गया, लेकिन आरोपी अंशुमन ने पीड़िता से बातचीत जारी रखी और मिलने पर उसे वीडियो दिखाकर जबरन संबंध बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पूर्व पति अंशुमन पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। और उसमें उसके द्वारा एलिगेशन लाया गया था कि उसका जो पूर्व पति है और उसके द्वारा उसका वीडियो बनाकर उसके साथ रेप किया गया और डाइवोर्स के बाद भी उसके साथ अवैध संबंध बनाए गए और इस दौरान उसको धमकाया गया था। इसी संदर्भ में केस रजिस्टर किया गया था और आरोपी लगातार तलाश की जा रही थी। आज आरोपी को अरेस्ट किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सर, क्या बैकग्राउंड है? बताया जा रहा है कि डेंटिस्ट के साथ पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। हाँ, ये आरोपी और फरियादिया पहले दोनों कॉलेज में स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। उसके बाद उनका संपर्क आगे बढ़ा, शादी भी की। शादी के बाद में एक साथ कुछ विवाद आने पर इनके द्वारा डाइवोर्स लिया गया माननीय कोर्ट में। इसके बाद में फिर इनके द्वारा रिलेशन को आगे बढ़ाया गया और उस दौरान के लिए रिलेशन भी बने। उसी बात को लेकर फरियादिया के द्वारा केस रजिस्टर कराया गया। आरोपी अंशुमन धवन है ये, और ये मून पैलेस कॉलोनी थाना अनुपुरा क्षेत्र में रहता है। क्या करता है? क्या ये प्राइवेट जॉब करता है। ये आईटी जो अपना चौराहा है उसके पास में एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें जॉब करता है।